नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 31 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इस सेशन की PDF आपको साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर साथियों जितने भी इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी सुविधा आपको है जो साथियों ई नोट्स के अंदर है जो मिल रही है। वहां पर आपको काफी सस्ते रेट के अंदर है जो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की टीम आपको ये सुविधा प्रोवाइड करवा रही है। तो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इस सेशन के अंदर साथियों अपने वो चीजें देखते हैं जहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्मार्ट स्टडी की वो ही साथियों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो तरीका स्मार्ट स्टडी का है उसी प्रकार से मैं आपके साथ करंट अफेयर शेयर करता हूँ। तो सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे आज के दिन का। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल्स में कांस्य पदक है जो किसने जीता। तो आंसर हो जाएगा मन्नू भाकर व सरबजोत सिंह की जोड़ी ने है जो साथियों ये जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। देखिए साथियों मनु भाकर व सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल्स के अंदर है जो साथियों भारत के लिए कांस्य पदक जीता है तो इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले साथियों मनु भाकर ने तो आपको पता है साथियों है जो 10 मीटर जो महिला सिंगल था उसके अंदर साथियों कांस्य पदक अपने नाम किया था। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीटें बन गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर लीजिएगा और कन्फर्म ये आपसे पूछा जाएगा। साथियों की 10 अपने ये भी देखा था कि कल या परसों देखा था कि मन्नू भाकर ने अपने देश को पहला पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर है जो 10 मीटर महिला सिंगल जो साथियों पिस्टल थी उसके अंदर कांस्य पदक दिलाया था। और ये हरियाणा के झांझर जिले की रहने वाली है तो ये भी अपने को याद रखना है। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत। एशियाई क्रिकेट परिषद ने 2025 और 27 में आयोजित होने वाले आगामी द्विवार्षिक पुरुष क्रिकेट विश्व कप की है जो साथियों मेजबानी की घोषणा की है। भारत T20 प्रारूप में 2025 संस्करण की मेजबानी करेगा और बांग्लादेश एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 2027 संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों की T20 एशिया कप 2025 से है जो उसकी मेजबानी कौन करेगा तो भारत करेगा साथियों। और इसके अलावा 2027 का जो ODO होगा ODI होगा यानी 50-50 ओवरों का जो क्रिकेट है उसकी मेजबानी है जो बांग्लादेश से करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मौत हुई है। तो 628 से सरकार के आंकड़ों के अनुसार विगत 5 वर्षों में भारत में अवैध शिकार सहित अन्य कारणों से है जो कुल 628 बाघों की मौत हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2019 में 96 बाघों की मौत हुई थी, 2020 में 106 और 2021 में 127 और 2022 में 121 और सबसे ज्यादा है जो साथियों किसके अंदर है 2023 में 178 बाघों की है जो मौत हुई है। टोटल 5 सालों के अंदर 628 जो बाघ है उनकी मृत्यु हुई है चाहे वो अवैध शिकार हो या कोई अन्य कारण हो जिसके चलते साथियों ये हुई है। और ये एक रिपोर्ट है जो साथियों जारी की गई है तो इम्पोर्टेंट रह सकता है। इस प्रकार के भी फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन कई बार है जो एग्जामिनर साथियों पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह को। देखिए साथियों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहन ने इस अवसर पर उन्हें एक शिक्षक प्रोफेसर शोधकर्ता और मधुमेह रोग के चिकित्सक के रूप में बताया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑपरेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 कहाँ होगी। तो साथियों इसका आयोजन है जो भारत में किया जाएगा और भारत में अगर आपसे पूछे कहाँ पर है तो मुंबई के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुंबई में कब
तो भारत में पहली बार साथियों सितंबर 2024 में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट रहेगा कि ऑपरेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 कहाँ होगी, तो आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर होगी और सितंबर के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों रैपिडो। कौन सा बना है साथियों, रैपिडो है जो 2024 के अंदर है जो साथियों भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बना है। राइडिंग हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो ने मौजूदा बेकर वेस्ट ब्रिज कैपिटल के नेतृत्व में $120 मिलियन का नया फंड जुटाया है जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन है, जिससे यह यूनिकॉर्न स्टार्टअप की श्रेणी में शामिल हो चुका है। तो 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न है जो कौन सा बना है, रैपिडो बना है और प्रथम कृत्रिम बना था, और दूसरा कौन सा बना है वो आपको साथियों कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, वी वेदाचलम को दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, वी वेदाचलम को दिया गया है। किस लिए, अभिलेखों पर पुस्तक लिखने के लिए साथियों इनको है जो सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो आंसर है दिल्ली के अंदर। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ, दिल्ली के अंदर है जो साथियों इसका उद्घाटन किया गया। हुमायूं के मकबरे में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, तो इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ, तो राजधानी दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है कि हाल ही में कैटर वर्ल्ड पैनल की ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के आधार पर 2000 भारत का शीर्ष EFMCG ब्रांड कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा पार्ले बना है। कौन सा बना है, पार्ले। दूसरे स्थान पर ब्रिटानिया है, तीसरे स्थान पर अमूल है और चौथे स्थान पर क्लिनिक प्लस है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कैटर वर्ल्ड पैनल की ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के आधार पर भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड है जो साथियों कौन सा बना है, तो पार्ले बना है। दूसरे स्थान पर कौन है, ब्रिटानिया को इस पर दूसरा स्थान मिला है, और तीसरे स्थान पर अमूल दूध है, और चौथे स्थान पर जो शैम्पू है साथियों कौन सा, क्लिनिक प्लस इसके अंदर है जो चौथे स्थान पर। यानी जो सामान्य अपने घरों में साथियों जो सबसे ज्यादा चीजें यूज होती है उसकी एक प्रकार की ये लिस्ट है, और उसमें सबसे ज्यादा है जो पार्ले को है जो साथियों चुना गया है। यानी पार्ले जो बिस्कुट है वो सबसे ज्यादा अपने भारत के अंदर अभी भी यूज हो रहे हैं। दूसरे स्थान पर बीटा और तीसरे स्थान पर अमूल और चौथे स्थान पर क्लिनिक प्लस है। हाल ही में वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो निकोलस मादुरो। कौन बने हैं, निकोलस मादुरो साथियों वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये साथियों तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और 2031 तक हैं जो राष्ट्रपति बने रहेंगे। यानी 2031 तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन रहेंगे, तो निकोलस मादुरो है जो साथियों 2031 तक है जो राष्ट्रपति बने रहेंगे। ये अपने को याद रखना है, इम्पोर्टेंट साथियों ये रहेगा। ये थे साथियों आपके करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। अब अपने साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था इंडिया का, वो रिविजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक कौन बने, शेखर कपूर। रूस के 328वीं नेवी परेड में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया, INS तमर ने भाग लिया। हाल ही में T20 महिला एशिया कप 2024 किसने जीता, श्रीलंका। बिमिस्टिक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक कहाँ हुई, म्यांमार में। हाल ही में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ। किसके द्वारा किया गया साथियों, नीता अंबानी जी के द्वारा किया गया। जापान की किस सोने की खदान को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है, तो श्वादो द्वीप है जो साथियों सोने की खदान है उसको हाल ही के अंदर यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है, तो ये बांग्लादेश का है। कहाँ का है, बांग्लादेश का साथियों ये टर्मिनल मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार है जो हासिल कर लिया है। हाल ही में Search GPT लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, ओपन AI के द्वारा है जो साथियों Search GPT लॉन्च करने की घोषणा
गई है। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन किसने लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन किसने लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में रेसल फॉर ग्लोरी पहल किसने इंडसइंड बैंक के द्वारा साथियों इसको शुरू किया गया है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास रहा साथियों कि कम समय में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी शेयर करूँ। ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप और इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर है जो आपको निःशुल्क मिल रही है। वहां पर इन्फ्यूजन नोट्स के ई नोट्स भी आपको काफ़ी सस्ते रेट के अंदर की सुविधा इन्फ्यूजन नोट्स की टीम आपको दे रही है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से और ऐप के बारे में साथियों अपने दोस्तों में भी जरूर जानकारी है जो आपको साझा करनी है और 5-स्टार रेटिंग आपको देनी है। धन्यवाद।